प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आइए हम सभी चलें सनातन संस्कृति की ओर। और सनातन संस्कृति में एक से बढ़कर एक कथाएं गाथाएं हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गिलहरी को। जी हाँ, गिलहरी तो आप सभी ने देखा होगा, ये कितना प्यारा सा छोटा सा जीव है और इसके पीठ पर कितनी खूबसूरत धारियाँ होती हैं। ये अपने दोनों हाथों से किसी चीज़ को खाती है और आज ये बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है हम सभी की कि ये जीव खत्म होने की कगार पे है। बहुत कम दिखती हैं गिलहरी। और दोस्तों, जो इनकी पीठ पर धारियाँ होती हैं, आपने देखा होगा इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है? दोस्तों, जब आज हम आपको बताएंगे कि ये धारियां गिलहरी के पीठ पर आखिर होती क्यों है। ये कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब रावण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवती सीता का हरण किया और उन्हें ले जाकर लंका में अशोक वाटिका के नीचे रख दिया। सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण की मुलाकात वानरों के राजा सुग्रीव से होती है। इसी के बाद हनुमान जी राम नाम लिखते हैं नल नील के द्वारा। समुद्र का सुंदर जब निर्माण हो रहा था तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी ने देखा कि यहाँ तो सब काम पर लगे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, तो उसने सोचा कि मुझे भी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार ही सही सहयोग तो करना चाहिए। वो गिलहरी दौड़कर आई, भगवान श्री राम के कार्य में, पुल निर्माण में अपना हाथ बटाने लगी। गिलहरी समुद्र के किनारे जाती, पानी में डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर में बालू पत्थर के कणों को चिपकाकर लाती और पुल पर ले जाकर अपने शरीर को जोर से हिलाती, इसलिए कि हमारे शरीर में जो लगी हुई बालू चिपक गई है वो पुल पर गिर जाए और पुल जल्दी मजबूत अच्छा बनकर तैयार हो जाए। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये गिलहरी क्या कर रही है? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, भैया, ये गिलहरी आपके पुल निर्माण में सहयोग कर रही है। ये अपने शरीर में बालू पत्थर छोटे कण चिपका कर लाती है और पुल पर गिराती है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और गिलहरी को बुलाया और गिलहरी को अपने हाथों पर लिया और उसे सहलाते हुए बोले, तुम नन्ही सी हो, तुम्हारे सहयोग की भावना और तुम्हारा समर्पित प्रेम अतुलनीय है, इसलिए तुम जहाँ भी रहोगी लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे। ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया था, जो भी गिलहरी को कुछ भी खिलाता है उसके ऊपर प्रभु राम की प्रसन्नता होती है। भगवान श्री राम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आज भी उन उंगलियों के निशान के रूप में भगवान श्री राम के हाथ के हस्त के जो रेखाएं हैं उनकी उंगलियों के, वो आज भी बने हैं। तो दोस्तों, ये रही खूबसूरत सी जानकारी गिलहरी के बारे में। तो दोस्तों, यूं ही आप सभी के लिए सनातन संस्कृति की तरफ से मैं ढेर सारी जानकारियां लेकर आऊँगी और आपको नई रोचक जानकारियों से अवगत कराऊंगी। दोस्तों, अगर आपको भी सनातन संस्कृति से प्रेम है, आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे हर जानकारी आप भी सनातन संस्कृति के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों, यूं ही हमसे जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, आगे भी आप सभी के लिए ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु की परम असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी के जीवन के सभी संकट
नष्ट होते रहे। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।